आज हम ग्रीनवुड में लेसन 3 रीड करेंगे। वर्केबल सॉल्यूशन। वर्केबल सॉल्यूशन मींस व्यावहारिक हल, जो काम में आने वाले हल होते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनको हम आजमाते हैं तो छोटी से छोटी मुसीबत या कोई भी ऐसे जो हमारे रास्ते में अड़चन आती वो दूर हो जाती है। इट वॉज द हाउस ऑफ मिसिज ज्योति। ये जो घर है मिसिज ज्योति का है, ये मिसिज ज्योति दिखाई दे रही है। बट इट वॉज ए टेरेबल हाउस, लेकिन ये बहुत ही भयानक था ये घर। बिकॉज इट वॉज टेरेबली इन्फेस्टेड विद रैट्स। इन्फेस्टेड मीन्स संक्रमित था, जैसे कि किसी जगह पे बहुत सारे गंदे कीड़े या चूहे या कुछ कॉकरोच वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें प्राणी जमा हो जाते हैं तो उस जगह को क्या बोलते हैं, इन्फेस्टेड हो गया मतलब वो जगह। तो जो उनका घर था वो किससे इन्फेस्टेड था, रैट्स, चूहों से। रैट्स हेयर एंड रैट्स देयर, चूहे यहाँ भी चूहे वहाँ भी। देयर वर रैट्स एवरीवेयर, जहाँ देखो वहीं चूहे ही चूहे। फाइनली आखिर में मिसिज ज्योति हैड नो अदर वे, उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था बट टू फाइंड ए सॉल्यूशन, लेकिन उन्होंने एक सॉल्यूशन तरीका ढूंढा, इस चीज़ उपाय ढूंढा कोई। एंड शी ब्रॉट ए कैट, और वो एक बिल्ली लेकर आई। ये बिल्ली दिखाई दे रही है। द कैट लुक्ड जेंटल, जो बिल्ली थी वो देखने में बहुत सीधी सादी थी, जेंटल मीन सीधी सादी। बट शी वॉज फेरोशियस, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हिंसक थी। फेरोशियस मीन्स अंदर से एग्रेसिव थी, खतरनाक। शी यूज टू अटैक द रैट्स, वो चूहों पर हमला करती थी। एंड किल देम, उनको मार देती थी। शी लाइक देम फॉर हर फूड, वो उनको खाना बहुत पसंद करती थी। मोर देन एवरीथिंग एल्स, किसी भी अन्य खाने की तुलना में वो उनको खाना बहुत पसंद करती थी। शी लाइक्ड टू हैव रैट्स फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मीन्स सुबह का नाश्ता, वो सुबह के नाश्ते में भी उनको खाना पसंद करती थी। लंच में यानी कि दिन में भी उनको खाना पसंद करती थी। एंड डिनर, और रात में भी उनको खाना पसंद करती थी। ऑफकोर्स हर मेनू इंक्लूडेड मिल्क, हालांकि उसके मेनू में, मेनू क्या होता है, खाने की जो लिस्ट होती है, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में या कहीं होटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे एक मेनू दिया जाता है कि ये खाना मिलता है यहाँ पे। इसी तरह उस बिल्ली के मेनू में क्या क्या इंक्लूड था, क्या क्या शामिल था, मिल्क, दूध, ब्रेड एंड चीज़ टू। चीज़ क्या होता, पनीर, उसको ये सारी चीज़ें दी जाती थी। फिर भी वो चूहों को खाना ज़्यादा पसंद करती थी। बट द रैट्स गेव हर द ग्रेटेस्ट डिलाइट, डिलाइट मीन्स खुशी, ग्रेटेस्ट मीन्स बहुत बड़ी। लेकिन फिर भी जो ये चूहे थे ये बिल्ली को हर खाने से ज़्यादा खुशी देते थे। दिस मेड द रैट्स इन द हाउस वेरी अनहैप्पी, अनहैप्पी मीन्स उदास। इस वजह से जो चूहे थे घर के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत उदास हो गए। एट लास्ट द प्रेजिडेंट ऑफ द रैट कॉल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग, प्रेजिडेंट मीन्स अध्यक्ष या नेता, जैसे एक समूह का पूरे का एक नेता होता है जिसकी बात सब मानते हैं और सुनते हैं। तो इन चूहों का भी एक नेता था, ये दिखाई दे रहा है। इस प्रेसिडेंट ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इमरजेंसी मीटिंग मीन्स आपातकालीन मीटिंग, मतलब जब कोई किसी समूह पे कोई मुसीबत आती है तो वो इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं उस चीज़ का हल निकालने के लिए। ऑल द रैट्स गैदर्ड एट द डाइनिंग टेबल एट द मिडल ऑफ द नाइट, वो जो जितने भी सारे चूहे थे वो आधी रात को जो डाइनिंग टेबल तक, खाने की जो टेबल थी उस पर इकट्ठा हो गए। दे वर कॉशियस इनफ नॉट टू मेक एनी नॉइस, हालांकि वो सावधान थे। कॉशियस मीन्स सावधान, सतर्क थे कि कोई शोर ना हो। नॉइस मीन्स शोर। बिकॉज ऑल मेम्बर्स ऑफ द हाउस वर फास्ट एस्लीप, एस्लीप मीन्स सोना, क्योंकि जो घर के जितने भी सदस्य थे सब बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। ऑफकोर्स इंक्लूडिंग द कैट, और बिल्ली भी सो रही थी। द प्रेजिडेंट चेयर्ड द मीटिंग, जो प्रेजिडेंट था उनका नेता था वो कुर्सी पर मतलब जे जगह पर बैठ गया मीटिंग अटेंड करने के लिए। एंड इन्वाइटेड द रैट्स टू ऑफर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और उसने सारे चूहों को बोला कि इस समस्या का, जो ये बिल्ली हमारे लिए समस्या लेके आई है, इसके सोल्यूशन
कोई देना चाहे तो दे सकता है। मोस्ट ऑफ देम सैट साइलेंट, अब उनमें से ज़्यादातर चूहे तो साइलेंट बैठ गए, चुप बैठ गए। बिबिल्डर व्हाट कुड बी वर्केबल सॉल्यूशन, बिबिल्डर मीन्स वो कन्फ्यूज़ हो गए थे, असमंजस में थे कि क्या करे क्या ना करे, इस मुसीबत का हम क्या सॉल्यूशन निकाले, क्योंकि बिल्ली तो उनसे ताकतवर थी। सम ऑफ देम गिव सम सजेशन, उनमें से कुछ ने कोई कुछ सुझाव दिए, बट दे वर नॉट एक्सेप्टेबल, लेकिन वो भी काम के नहीं थे। एक्सेप्टेबल मीन्स स्वीकार करने योग्य नहीं थे। द ब्राइटेस्ट सजेशन वॉज गिवन बाई ए यंग एंथसियास्टिक रैट, जो सबसे अच्छा सुझाव था वो एक जवान और एंथसियास्टिक मीन्स बहुत उत्सुक, जिसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, उस चूहे के द्वारा दिया गया। ही सैड वी मस्ट फाइंड ए बेल, हमें एक घंटी ढूंढनी चाहिए, बेल होती घंटी। वी शेल टाई इट टू द नेक ऑफ द कैट, हम इसको बिल्ली के गले में बांध देंगे। वेन एवर द कैट वुड मूव, जब भी बिल्ली चलेगी, द बेल वुड रिंग, वो घंटी बजेगी। एंड इट वुड टेल अस, और ये हमें बता देगी ये घंटी, दैट द डेंजर इज अप्रोचिंग, कि खतरा हमारे पास आ रहा है। खतरा मीन्स बिल्ली, मतलब जब बिल्ली चलेगी तो वो चूहे सावधान हो जाएंगे घंटी की आवाज़ से कि बिल्ली आ रही है हमारे पास, और वो भाग जाएंगे। द रैट्स लाइक्ड द आइडिया, सारे चूहों को वो आइडिया पसंद आया। दे रेज्ड देयर वॉइस एंड क्लैप्ड देयर हैंड्स, उन्होंने सबने अपने हाथ खड़े किए और ताली बजाई। एंड टैप्ड देयर फीट ऑन द टेबल टू वेलकम द सजेशन, और ऐसे टैप्ड मीन्स ऐसे थपकी देना जमीन पे, उस सजेशन का उन्होंने स्वागत किया कि हाँ बहुत अच्छा है, खुश हो गए वो सारे, जैसे डांस टाइप करते हैं ना वो। इट अपीयर्ड टू देम दैट इट वॉज द ब्राइटेस्ट आइडिया एंड दैट इट वॉज ए वर्केबल सॉल्यूशन, अब उनको लग रहा था कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है और ये जरूर काम में आएगा, वर्केबल मीन्स काम में जरूर आएगा ये। जस्ट देन, तभी अचानक, एन ओल्ड रैट स्टूड अप, एक बूढ़ा चूहा, ये बूढ़ा चूहा दिखाई दे रहा है, खड़ा हुआ। एंड विद द प्रेजिडेंट्स परमिशन, और उसने जो नेता था अध्यक्ष उसकी परमिशन ली, एंड आस्क्ड, और सबसे पूछा, बट हु विल बेल द कैट, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, ये समस्या है। ऑल जॉय क्लैपिंग एंड डांसिंग वैनिश्ड इन नो टाइम, अब उसकी ये बात सुनकर चूहों की सारी खुशी और नाच गाना उनका सब वैनिश मीन्स गायब हो गया एक ही पल में। ए ग्रेटर प्रॉब्लम स्टेयर्ड देम इन द आईज, और सबकी आंखों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देने लग गई कि हाँ ये बात तो सच है, कौन घंटी बांधेगा। बट दे हैड फॉरगॉटन दैट देयर नॉइस हैड अवेकन द कैट, लेकिन वो ये चीज़ भूल गए थे सारे कि जो उनका ये शोर है नाच गाना और ये, इसकी आवाज़ से बिल्ली की नींद टूट गई थी, आउट ऑफ हर डीप स्लम्बर, स्लम्बर मीन्स बहुत गहरी नींद, जो बिल्ली सो रही थी इनकी आवाज़ सुनकर उठ गई थी इतनी देर में। शी केम साइलेंटली, वो चुपचाप से आई द बेपाव, एंड पाउंस्ड, और उसने अचानक से छलांग लगाई उनके ऊपर, अपॉन देम, बिल्ली जैसे चूहों के ऊपर एकदम से छलांग लगाती है ना, एंड कॉट टू रैट्स, और उसने दो चूहों को पकड़ लिया। वन ऑफ देम द यंग रैट, एक तो उसने जवान चूहे को पकड़ा जिसने ये सुझाव दिया था घंटी वाला, हु हैड गिवन द सजेशन, जिसने सुझाव दिया था, एंड द अदर द प्रेजिडेंट, और एक उसने उस अध्यक्ष को पकड़ लिया, उनके नेता को। एंड द अदर्स पुअर रैट्स, और अब वो सारे बेचारे चूहे, दे रैन हेयर एंड देयर, वो इधर उधर भाग गए, एंड एवरीवेयर टू सेव देयर लाइव्स, अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गए, लाइव्स मीन्स अपनी प्राणों को बचाने के लिए। दे नाउ न्यू, अब वो जान चुके थे, दैट सम आइडियाज आर वेरी ब्राइट, कि कुछ जो आइडियाज़ होते हैं विचार, वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, वेरी ब्राइट टू लुक, सुनहरे लगते हैं देखने में, बट दे आर नॉट एट ऑल वर्केबल, लेकिन वो हमेशा काम में आने वाले नहीं होते। नेक्स्ट, अब हम इसकी वर्कशीट करेंगे। सबसे पहले हम ये पिक्चर ड्रॉ करेंगे और इसमें कलर करेंगे, ये बिल्ली और ये चूहे।
नेक्स्ट वर्ड मीनिंग, वर्केबल व्यावहारिक या कामगर, टेरिबल भयानक या बहुत बुरा, चीज पनीर, डिलाइट खुशी, प्रेसिडेंट अध्यक्ष या नेता, कॉशियस सावधान सतर्क, फेरेसियस हिंसक, इंक्लूडेड शामिल, स्लंबर गहरी नींद, पाउंस्ड छपटना, वैनिश गायब होना, बिविल्डर असमंजस, सजेशन सुझाव, टैब्ड थपकी देना या हल्के से मारना। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट वाज सो टेरिबल अबाउट मिसेस ज्योतिस हाउस, उनके घर में क्या टेरिबल था। मिसेस ज्योतिस हाउस वाज टेरिबली इन्फेस्टेड विद रेड्स, चूहों से वो बहुत भरा हुआ था। व्हाट सॉल्यूशन डिड मिसेस ज्योति फाइंड फॉर द रेड्स, उसने क्या हल निकाला इस चीज़ का। मिसेस ज्योति ब्रॉट ए कैट फॉर द रेड, वो एक बिल्ली लेके आ गई। व्हाट मेड द रेड्स वेरी अनहैप्पी, किस चीज़ ने रेड को बहुत उदास कर दिया। द कैट यूज द टू अटैक द रेड्स एंड किल देम, दिस मेड द रेड्स इन द हाउस वेरी अनहैप्पी, वो उन पर हमला करती थी और उनको मार देती थी। व्हाट सॉल्यूशन डिड द यंग रेड गिव, द यंग रेड गेव एन आइडिया दैट दे शुड टाई ए बेल टू द नेक ऑफ द कैट, वेन एवर द कैट वुड मूव द बेल वुड रिंग एंड इट वुड टेल दैम दैट द डेंजर इज अप्रोचिंग, वो उसके गले में घंटी बांध देगी और जब भी वो बिल्ली चलेगी उनको पता चल जाएगा कि बिल्ली आ रही है। वट वॉज द प्रॉब्लम इन द मीटिंग, मीटिंग में क्या प्रॉब्लम थी। द प्रॉब्लम वॉज दैट हु विल बेल द कैट, कौन घंटी बांधेगा। How was the cat awakened out of her slumber? वो कैसे नींद से जागी। The noise of rats had awakened the cat, चूहों के शोर की वजह से। What did the rats come to know in the end? चूहों को आखिर में क्या पता चला। In the end, the rats knew that some ideas are very bright to look, but they are not at all workable. कुछ आइडिया देखने में अच्छे होते हैं पर हमेशा काम में नहीं होते। Make sentence, वाक्य बनाने आपको। Gentle, मिस्टर शर्मा इज ए जेंटलमैन, लाइक आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। प्रेजिडेंट, एन ओल्ड रेट वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द रेड्स, आप इनकी जगह अपने भी जो भी अपने दिमाग से भी वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स ए एन एंड द आर यूजुअली कॉल्ड आर्टिकल्स, ए और एन और दी इनको क्या बोलते हैं हम आर्टिकल। ए कब यूज होता है, बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट एज, कॉन्सोनेंट से पहले, जैसे वुमेन में डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है तो ए यूज होगा, ईयर में वाई कॉन्सोनेंट है, हीरो में एच कॉन्सोनेंट है। सेकंड, बिफोर सच वोवल्स एज हैव द साउंड ऑफ वाई यू, इनसे वाई यू वोवल्स होती उनसे पहले, जैसे यूनियन से पहले यूनिवर्सिटी यूरोपियन। नेक्स्ट बिफोर द वर्ड वन विच बिगिंस विद द कॉन्सनेंट साउंड ऑफ डब्ल्यू ए एस, जिनकी कॉन्सनेंट साउंड होती है डब्ल्यू ए और वन से स्टार्ट होता है, जैसे वन रुपीज नोट तो इसमें भी ए आएगा, वन वे रोड इसमें भी ए आएगा। यूज ऑफ एन, एन कब यूज होता है, एन इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद वोवल, वोवल से पहले, वोवल कौन कौन सी होती है, ए ई आई ओ यू। एप्पल में ए वोवल है तो एन आया, एरोप्लेन में ए वोवल है तो एन आया, अम्ब्रेला में यू वोवल है तो एन आया। वर्ड बिगिनिंग विद ए साइलेंट एच, जिसमें एच साइलेंट होता है, जैसे आवर, इसमें एच साइलेंट है तो ओ वोवल है तो फिर भी एन आएगा। ऑनेस्ट में एच साइलेंट है इसमें भी एन आएगा, ऑनरेबल में एच साइलेंट है इसमें भी एन आएगा। यूज ऑफ दी, दी इज यूज बिफोर When we refer to some particular person or thing, जब हम किसी विशेष व्यक्ति या चीज़ के बारे में बताते हैं, जैसे the boys of the school are very obedient, तो इसमें boys के बारे में बताया हमने, इसमें the आएगा। When a singular noun is used to indicate a whole class, जब कोई singular noun होती है उसको हम एक पूरे whole class, पूरी जाति से में संबोधित करते हैं, जैसे द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, वैसे तो डॉग सिंगुलर होता है लेकिन डॉग की पूरी जाति पूरे समूह को हमने इसमें वो किया है तो इसमें द आएगा। द रोज स्मेल स्वीट, वैसे रोज यहाँ पे सिंगुलर है लेकिन रोज में पूरी गुलाबों की प्रजाति को हमने लिया है तो उसमें भी द आएगा। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स सीज ओशन माउंटेन रेंज ग्रुप ऑफ आइलैंड, इन सबसे पहले,
जैसे द गंगा, द गोदावरी, द बे ऑफ बंगाल, द रेड सी, द इंडियन ओशन, द हिमालय, द अंडमान. बिफोर डायरेक्शन, दिशाओं से पहले, न्यूज़पेपर से पहले, फेमस बुक्स से पहले, कॉमन नाउन से पहले, जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, सन इसमें इससे पहले आएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर है इसमें द आया, द रामायण बुक है रामायण इससे पहले आया, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई एट्सेट्रा. नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे, इसमें आपको फिलअप्स करने हैं. दिस इज डैश अम्ब्रेला, इसमें यू ओवल है तो एन आया, दिस इज एन अम्ब्रेला. डैश गंगा इज ए हॉली रिवर, इसमें गंगा पर्टिकुलर वो है तो इसमें द आएगा. ये रिवर मैंने आपको बताया था रिवर से पहले आएगा, रामायण बुक है इससे पहले आएगा, द रामायण इज ए होली बुक ऑफ द हिंदूज, हिंदूज मतलब पूरी हिंदूज जाति को किया है तो इसलिए द आया. होनेस्ट में एच साइलेंट इससे पहले आएगा, एन ऑनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड बाय ऑल, एक ईमानदार आदमी का विश्वास सब करते हैं. अर्थ मूव्स राउंड डैश सन, अर्थ से पहले आएगा और सन से पहले आएगा. नेक्स्ट इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज, इसमें ई क्या है वोवल तो इससे पहले आएगा. आई वेंट टू, इसमें आईलैंड में आई वोवल है तो एन आएगा. वी विल गो फॉर, इसमें पिकनिक का पी क्या है कॉन्सोनेंट तो इसमें ए आएगा. डैश कुरान इज ए होली बुक ऑफ डैश मुस्लिम, कुरान क्या होती है मुस्लिम की बुक होती है, बहुत पवित्र किताब है तो इसमें भी द आएगा पहले, और मुस्लिम में पूरे समूह को लिया गया इससे पहले द आएगा. आई फाउंड वन रुपी नोट फ्रॉम हिमांशु, इसमें ए आएगा, जो मैंने आपको बताया था कि वन और वायु वो उससे पहले ए आएगा.